हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है हमारे न्यू हेयर वॉश वीडियो में। तो आज कुछ यूनिक तरीका से होने वाला है हेयर वॉश, तो आप लोग ज़रूर देखिए वीडियो। आज फिर एक तो हेयर वॉश का वीडियो जाएगा। मेरा बेटा सो गया है सुबह सुबह और रोज़ उठता है, मतलब जगा रहता है। आज फ़ोन नहीं मिलेगा देखने के लिए तो सो गया है। ट्यूशन अभी तक नहीं आई है, टाइम हो गया 10:51 पे। अब आएगी तो उसका हेयर वॉश होगा। और देखते हैं किचन में मेरी अर्धांगनी जी क्या कर रही है। तो अर्धांगनी जी अपने किचन का खाना बना रही है, किचन में लगी हुई है खाना बनाने के लिए। और ये आम लाए हैं तो एक कच्चा कच्चा ही मिल गया, पक्का नहीं मिला। ये थोड़ा पीला पीला दिख रहा है, ये थोड़ा खाने वाला एक है तो आज खाने वाला नहीं होगा, कल खाया जाएगा। तो अभी आ रही है बेटी ट्यूशन से थकी हुई एकदम, बैटरी डाउन हो गया एकदम। हाथ में पानी का बोतल का बनाया मैं, सर बोले ना कि तुम क्या बोल 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 बोल, तुम्हारे सर क्या बोले बोल बोल। तो मेरे घर में छोटी सी बिल्ली की बच्ची लाई है मेरी बेटी, पालेगी, इसको पाल रखी है। अब बिस्कुट देगी खिलाने के लिए, देखिए कितना पास में है एकदम, डर भी नहीं रही, एकदम वीडियो बन रहा है तो खा रही है बिस्कुट। हैं अब बेटी इसको पालेगी, अपने साथ साथ रखेगी। मेरे घर में आई बिल्ली के बच्चा, हाथ बचा के जरा सा भी लगा ना तो फिर तुमको ही दौड़ना पड़ेगा। इसको दौड़ना पड़ेगा साथ साथ में, वही तो बोल रहे हैं कुटी। पहली बार हमको बिल्ली अच्छी लग रही है। अच्छा उधर ही ध्यान रखो बहन, इन्हें इन्हें बस कर, चूरा चूरा अंडा डाल, उतना खाएगी नहीं वो बहन। बहन मियू कुजू की छोटी बहन। तो गाइस यहाँ पे मम्मी काट रही है, क्या काट रही है, कच्चू का पत्ता, कच्चू जिसको हम लोग बोलते हैं रेकोच, अरुई का पत्ता। बनने के जब उसका कुछ बन जाता है पकौड़ी तब उसको बोलते हैं रेकोच, रेकोच। और यहाँ पे इतना काट के रख दिया है, और आपका अबू दास है बिकॉज ही गॉट एन हार्ट, इसको चोट लग चुका है बाबू। गाइस यहाँ पे ये बेसन, बेसन में मम्मी हल्दी डाल दी है और यहाँ पे मसाला पीसी है, जिसमें मेरे को एक चीज़ तो पता चल रहा है कि धनिया है, और धनिया, जीरा, और धनिया, जीरा, हरा मिर्च, खटाई और लहसुन, लहसुन और ये पेस्ट इसके अंदर डाल दिया जाता है। और उसके बाद फिर आना जाएगा, और यहाँ पे मेरा भाई मेरे को परेशान कर रहा है, मिलाया जाएगा फिर इसको लगाया जाएगा। अब लगाएंगे नमक, आई मीन डालेंगे नमक, मत करना बाबू, आई हेट दिस थिंग, आई मीन आई हेट यू। अब यहाँ पे मिक्स कर देते हैं, अच्छे से देखो इसको मिक्स कर लिए, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, उसके बाद मेरी दीदी अपने पापा मम्मी से बदला तो ली। लो थोड़ा सा देखो तो हाथ पे ऐसे चाटेगी, चाट नमक एंड हियर इज कैचू कैचू। गाइस कौन कौन चाहता है कि मैं अपना अ डे इन माय लाइफ शूट करूं, जो चाह बात है उसके बाद। अच्छा यहाँ पे कच्चू का पत्ता के ऊपर वो जो पेस्ट मम्मी बनाई थी वो डालेगी, और यहाँ पे मम्मी डाल दे, लगा दे रही है एंड इसके ऊपर से लगाएंगे। अब इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, इसके ऊपर लगाएंगे, देन फिर इसको फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे, इसको फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे, एंड ये स्क्वायर वाला बना रहे हो।
गाइस इसमें का एक सर्कल वाला भी आता है जो आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा तो बनेगा। और गाइस हम बोल रहे थे कि जिसको जिसको अ डे इन माय लाइफ देखना है मेरा या फिर पूरे फैमिली का तो कमेंट करना। अगले हफ्ते फिर वो कैंसिल, अगले हफ्ते हेयर वॉश कैंसिल होके हम संडे को यही शूट करेंगे अ डे इन माय लाइफ, और पूरा प्योर रियल होगा कि हम कितने बजे उठते हैं कितने बजे नहीं उठते हैं वो सब पता चल ही जाएगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट करो और मेरे पापा को मनाओ कि अगले हफ्ते हेयर वॉश ना करके अ डे इन माय लाइफ शूट किया जाए, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू वॉश माई हेयर। हमारे घर में एक सुबह से एक बिल्ली आ रही है बार बार, हम लोग को बड़ा मजा आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए पानी रखा है। ए बिल्लू मौसी, बिल्लू ए कुछ इधर ला ना, इसको मलवा को इधर ला, धुपा में का उसको घुमा रहा है। और हाँ एक बात मैं बता दूँ सबको कि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप मेरा नहीं बना रहे, बाकी सबका कमेंट का रिप्लाई जल्दी कर रहे हैं, तो ये कर रहे वो कर रहे, हम लोग सबका कमेंट रिप्लाई कर रहे हैं। और जो बहुत लोग बोले हेयर स्टाइल वगैरह करने का, तो हम लोग कर रहे हैं पर टाइम नहीं मिल पा रहा अभी, या फिर काम के चलते हम लोग भूल जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं बनाएंगे, हम लोग ज़रूर बनाएंगे वो सब वीडियो। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए उस बारे में, हेयर स्टाइल का वीडियो तब हम लोग हेयर स्टाइल का वीडियोस भी डालेंगे। और बहुत सारे लोग कमेंट्स करें कि आप बाकी लोग का कर रहे हैं, हमारा नहीं कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरा हेयर स्टाइल नहीं कर रहे हैं, तो ये तो वो, तो हम सबका कमेंट करेंगे। बस आप लोग को वो कमेंट हर वीडियो में डालना होगा जब तक हम वो नहीं करते हैं, तो इस तरीके से इसके वजह से नहीं। तो बेटी ने बना रही है पकौड़ी, इसका बेटी अभी छाने की तेल गरम कर दी है, इधर बेसन का वो बना दी है, अब बोल रही कि पकौड़ी बन जाएगा, खाना खा के फिर मेरा हेयर वॉश होगा। वन टू थ्री गाइस, किसको किसको भूख लग रहा है देख के आ जाओ। फिर तो दोस्तों हम चल रहे हैं अब लंच करने, तो ये है मस्त भात चावल और ये पकौड़ी, तो हम लोग कर रहे हैं लंच। तो दोस्तों ये जड़ी बूटी लाए हैं बेटी का हेयर वॉश करने के लिए, तो इस पत्ता को वो करेंगे और इसमें मिलाएंगे एलोवेरा मिलाएंगे और कुछ भी मिलाएंगे, दिखाते हैं आप लोगों को, वीडियो में बने रहिए। तो आज बड़ा बड़ा एलोवेरा नहीं है, छोटा छोटा है। एलोवेरा का पहले कांटा निकाल देते हैं हम, कांटा निकालना जरूरी है, कांटा इसको निकाल दिए और कड़ी पत्ता को तोड़ के पत्ता को वो कर दिए। अब इसको ग्राइंड करेंगे मिक्सी में और ये थोड़ा सा वो है बड़ा है, ओए मोटर देखते रहे। बेटी को दे देते हैं ग्राइंड करने के लिए, बेटी ग्राइंड करके लाएगी, जा लेके आप ग्राइंड करके फटाक से। बेटी ग्राइंड कर ली? नहीं हुआ, पानी मिलाना होगा। हो गया, एक बार और चला दो। चलो चलो ग्राइंड करो अच्छा से। स्टार्ट। तो दोस्तों बेटी ने ग्राइंड करके ला दी है और इसको हम थोड़ा सा वो करेंगे एक्सपेरिमेंट। ए बाबू हम माथा दो मोटर बंद कर दिया। इतना लस लड़का है कि थोड़ी जाके देखेगा कब तक पानी गिरेगा। और इसको भर गया, पूरा पानी गिर रहा था। ओ बाबा छानेंगे, इससे छान देंगे कि जो मोटा होगा चूल में फंसेगा नहीं और जो पतला होगा निकल जाएगा।
तो ये ग्राइंड हुआ है, इसको छान दिया गया है। हाँ, मेरी बेटी को फिल्टर वाला चाहिए, बोलती है कि चूल में फंस जाता है, चूल में लगता है तो दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए इसको फिल्टर वाला करना शुरू किए हैं छान के। तो ये छना गया है, इसमें जो जो भी है उसका मटेरियल निकाला जाएगा। फटा हुआ का हो लग तो रहा है, एक ही बार प्रेशर मार रहा है। यूज करते हुए एक ही साथ दो पैकेट फाड़ते हुए हेयर वॉश के लिए, ताकि ये फाड़ देंगे तो आप लोग कोई भी शैम्पू यूज करिए तो डायरेक्ट हेयर पे स्किन पे मत लगाइए, उसको पानी में घोलिए फिर लगाइए तब अच्छा रहेगा। डायरेक्ट स्किन पे लगाने से वो साइड इफेक्ट करता है। और इसको मिलाएंगे, मिलाते रहेंगे जब तक अच्छा से झाग नहीं बनेगा। कलरफुल वाला हेयर वॉश होगा, झाग बन गया तो कलरफुल हो गया है। और एक चीज़ आपके सामने हम मिलाने वाले हैं और लाते हैं, इसमें मिलाने के लिए बेटी को बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें ये लिक्विड मिलाएंगे, नारियल तेल 4 बूंद मिल गया, और इसको घोरेंगे। और अब ये हो गया मेरा रेडी, इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, पानी कम है। तेल मिलाए हैं कि चूल में खुशबू आएगा उसके लिए, और कंडीशनर जैसा होगा। तो दोस्तों अब बेटी का चूल खोल रहे हैं, तो आज कुछ पार्लर वाला स्टाइल में हम इसका हेयर वॉश करेंगे। तो घर पे ही हम पार्लर वाला चेयर बना दिए हैं, तो बेटी का हेयर वॉश होगा। और पास आ जा कैमरा मैन, हम चले सोने पापा। तो बेटी का हेयर वॉश तो डेंड्रफ हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा डाल डाल के नाखून से। तो आज सर के तरफ से, ललाट के तरफ से करते हुए रगड़ना पड़ेगा, काहे कि बेटी इस हफ्ता हेयर वॉश नहीं करी है, तो इसकी आंख में चला जाता है, इसीलिए आज ऐसे हेयर वॉश करना पड़ रहा है मेरे को। कुछ मेरा हाथ कांप रहा है अलग तरीका से। मम्मी मजा आ रहा है एकदम आर्टिफिशियल लुक। तो बेटी आज थोड़ा खुशी खुशी से हेयर वॉश कराएगी, पहले रोती थी तो आज रोएगी नहीं। तो इसको नाखून से रगड़ना पड़ेगा, और थोड़ा पीछे आना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा नाखून से रगड़ना पड़ेगा इससे, तब चूल के अंदर तक जाएगा, जड़ तक। नाखून से रगड़ रगड़ के छुड़ाना पड़ेगा कि जो भी अंदर में डेंड्रफ है स्किन में कुछ वो है, सर घुमा उधर, तो उसके लिए तो करना पड़ेगा। तो आप लोग भी ऐसे करिएगा। तो हम तो हर हफ्ते करते हैं अपना बेटी का हेयर वॉश, तो आज कुछ अलग स्टाइल से हेयर वॉश कर रहे हैं हम बेटी का। और पेट के बल से हो जा बेटा, पेट के बल मुंह नीचे कर ले, वो ठीक रहेगा। घूम जा, ऐसे ही घूम जा ना, घूम जा कुर्सी में। पापा गिर जाएगा। नहीं गिरेगी, नहीं गिरेगी, गिरेगी तो इसको करना। शैम्पू लगा हुआ है सभी को। कोई बात नहीं। अरे पास गया।
और आगे आओ। शैम्पू लगा हुआ है। कोई बात नहीं, मुंडी नीचे करो ना। इधर नहीं जा रहा था ना, इधर से अच्छा से जा वो होता ना, तो फिर आगे नहीं लगता है। हाँ आगे भी हो जाएगा, आगे तो चार होंगे। हाँ नाखून से जितना रगड़ सकते हैं रगड़िए चूल को, कहे कि जड़ तक स्किन में, इतना मत रगड़िए कि स्किन को वो हो। तो नाखून से रगड़ने से ये होता है कि डेंड्रफ लोग थोड़ा जड़ छोड़ देता है, तो हाथ से सॉफ्ट हाथ पापा रुको स्टार्ट सॉफ्ट हाथ से नाखून से चारों तरफ रगड़ना पड़ेगा। रगड़ के इसको लगा मेरा बेटी को मुंडी पे, तो मुंडी दबा के रखो नीचे। तो आज पार्लर वाला स्टाइल में हम यहाँ पे करो ना पापा, यहाँ 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 पे खुद भी करो। बेटी का हेयर वॉश कर रहे हैं, तो बेटी बोल रही है कि यहाँ पे खुजलाने के लिए इसका यहाँ पे लग गया। तो आज पार्लर वाला स्टाइल में, फिर जब शैम्पू ऐसे आ जाए तो ये इसका जो चूल है इसको मुंह को ऐसे 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 रगड़ना पड़ता है कि जिसका दो मुहा बाल हो टूट जाता है, तो काटना नहीं पड़ेगा कैंची से, ऐसी वो हो जाएगा। तो आज देख सकते हैं कुछ कलरफुल हेयर वॉश हुआ है और हो रहा है, अभी चल रहा है कंटिन्यू। वीडियो में बने रहिए आप लोग, अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे वीडियो को। फोटो एंड में हमको मेरे वीडियो को अच्छा से ज़्यादा शेयर करिए। तो हर हफ्ता हेयर वॉश का वीडियो होता है, तो हेयर वॉश हो गया, अब बेटी को थोड़ा दो मिनट तक छोड़ देंगे वैसे ही कि जो जड़ तक गया है ओ, थोड़ा चूल में लगे, चूल को मिले, उसके बाद इसको पानी से हम धोएंगे। इसको अब धो दिए, 5 मिनट हो गया, तो 5 मिनट रुकना पड़ता है। पापा आ रहा है इधर। आ रहा है, और मुंडी आगे करो, और आगे हो जाओ, और आगे हो जाओ, हो जाओ, नहीं गिरेगी, भीग जाएगा पानी, नहीं गिरेगी, नहीं गिरेगी, अरे टी शर्ट भीग जाएगा, नहीं नहीं भीगेगा, हम पानी अब मुंडी नीचे कर दो। तो इसको धोना पड़ेगा अच्छा से, पार्लर वाला स्टाइल में आज। ये पार्लर वाला तो स्टाइल नहीं है, मुंडी नीचे लटका के। बेटी का हेयर वॉश हो रहा है, तो इसको धो दिए अब। अब देख सकते हैं आज बेटी का ऐसे हेयर वॉश किए, ना इसकी आंख में गया ना और इसका कपड़ा भीजा, तो इसको नहाना नहीं पड़ेगा और इसका चूल धोआ जाएगा। और थोड़ा सा प्रेशर वाला कल में धोएगी तब थोड़ा जड़ से जाएगा मेरा बेटी का। अच्छा लग रहा है, ठंडा हो गया हेयर वॉश और धो आ गया। तो बेटी को हम बनाते हैं अब यहाँ पे पंजाबी कुड़ी, तो ऐसे करके ऐसे ऐसे और ऐसे बांध दिए हम, तो ये होगी पंजाबी कुड़ी तेरी तो। और ये लगाना पड़ेगा, अभी तो धोएंगे ना नल से। हाँ तो ये होगी पंजाबी कुड़ी, उठ जा। आई आई तो मेरी बेटी अब उठ रही है, दो दो चेयर लगा हुआ था उस पे सो के हेयर वॉश कराई। हाँ आँख खोलेगी तब ना। अब दिखा पंजाबी कुड़ी का लुक, ये पंजाबी कुड़ी का लुक। और अब धोएगी मेरे प्रेशर वाला कल पे, जो कि हाई स्पीड वाला कल है, इस पे पानी का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा आता है, तो इससे पानी गर्म है। हाँ तो टंकी का पानी गर्म ही रहता है, धो ली और मेरा हेयर वॉश हुआ कंप्लीट। तो अभी हेयर वॉश हो गया तो जाएंगे, अभी बेटी तो नहीं जाएगी, हम लोग कहीं घूमने जाएंगे, वो भी आप लोगों को वीडियो दिखाएंगे थोड़ा सा, तो वीडियो में बने रहिए।
गाइज, जिसको जिसको ये रथ पूजा का पूरा ब्लॉग देखना है तो वो ब्लॉग परसों आएगा, तो आप लोग चैनल पे बने रहना। हमने कितना भीड़ है देखिए, जय जगन्नाथ की, देख सकते हैं आप लोग। तो गाइस देखिए, मेरा फेवरेट चीज आ चुका है, फुचका, जो कि सारा हम अकेले खाएंगे।